दोस्तों, क्या एक 14 साल का बच्चा बिना किसी डिग्री के एक मल्टीनेशनल कंपनी के लिए आईटी कंसल्टेंट का काम कर सकता है? क्या कभी कोई 18 साल का बच्चा सिर्फ अपनी मेहनत और लगन से बिना किसी फैमिली बिजनेस के सहारे करोड़पति बन सकता है? दोस्तों, हमारी आज की कहानी मुंबई के दो ऐसे भाइयों की है जो सिर्फ 18 साल की उम्र में करोड़पति बने और 34 साल की उम्र तक अरबपति बने और भारत के सबसे अमीर व्यक्तियों की लिस्ट में शामिल हो गए। इतनी कम उम्र में इन दो भाइयों ने ये कामयाबी कैसे हासिल करी, चलिए पता लगाते हैं। भाविन और दिव्यांग तुराखिया दोनों भाई मिडिल क्लास फैमिली में पैदा हुए थे। भाविन को अपनी 10वीं कक्षा से ही कंप्यूटर साइंस में रुचि थी और वे इसी क्षेत्र में अपना कारोबार चलाना चाहते थे। जब हम 10वीं कक्षा में थे तब हम इस सोच में पड़े रहते थे कि FB पे कौन सी पोस्ट शेयर करें, दोस्तों के साथ कौन सी फिल्म देखने जाए या फिर घूमने के लिए कहाँ जाए। लेकिन भाविन में कोई अलग बात थी। 10वीं के बाद उन्हें इंजीनियरिंग करने का बहुत मन था और इसी विषय के लिए उन्होंने अपनी आगे की पढ़ाई शुरू करी। लेकिन 2 सालों बाद उन्होंने अपनी पढ़ाई छोड़ दी क्योंकि वे अपना बिजनेस करना चाहते थे। वे प्रोग्रामिंग संबंधित बहुत सारी किताबें पढ़ने लगे थे। उनके पिता को किताबें जमा करने का शौक था और आगे जाके उनके घर की लाइब्रेरी स्कूल की लाइब्रेरी से भी कई ज़्यादा बड़ी हो गई। भाविन को प्रोग्रामिंग की बुक्स पढ़ पढ़ कर बहुत ज़्यादा नॉलेज आ गया था और उन्हें अपनी शिक्षा पर पूरा भरोसा था। दिव्यांग भाविन से 2 साल छोटे थे। उनमें मानो कंप्यूटर का कीड़ा था, लेकिन उन्हें कंप्यूटर की पढ़ाई करने में कोई दिलचस्पी नहीं थी। अपने बड़े भाई से कोडिंग सीखकर दिव्यांग 9 साल की उम्र में कंप्यूटर गेम्स बनाने लगे और 13 साल की उम्र तक वे कंप्यूटर सॉफ्टवेयर डेवलप करने लगे थे। उस समय कंप्यूटर खरीदना हरेक के बस की बात नहीं थी। मिडिल क्लास फैमिली में होने के कारण उनके पास खुद का कंप्यूटर सिस्टम नहीं था, तो भाविन और दिव्यांग अपने अमीर दोस्तों और कजिन भाइयों के घर जाकर कंप्यूटर प्रोग्रामिंग का काम करते थे। कभी कभी तो स्कूल के कंप्यूटर लैब में जाकर दोनों भाई कोडिंग सीखते थे। इससे पहले दोनों पढ़ाई के साथ पार्ट टाइम के लिए कंप्यूटर हार्डवेयर असेंबलिंग और रिपेयरिंग का काम करते थे। 1995 से जब भारत में इंटरनेट की सर्विस शुरू हुई तब तक दोनों भाइयों को इंटरनेट का ज़बरदस्त नॉलेज आ चुका था क्योंकि वे बचपन से इंटरनेट पर आधारित बहुत सारी किताबें पढ़ चुके थे। दोनों भाई प्रोग्रामिंग में माहिर थे और बुलेटिन बोर्ड सिस्टम चलाना भी जानते थे। उस वक्त बहुत सारी छोटी मोटी कंपनीज अपना BBS सिस्टम सेटअप करने के लिए उन्हें प्रोजेक्ट देती थी। इन कंपनीज के लिए काम करके उन्हें ज़्यादा पैसे नहीं मिलते थे, लेकिन इस काम में उन्हें बहुत सारी नई चीज़ें सीखने मिलती थी और इसके बाद उनकी बेहतरीन सर्विसेज को देखकर उन्हें बड़ी कंपनीज में भी प्रोजेक्ट्स मिले। केवल 14 साल की उम्र में दिव्यांग अपने बड़े भाई के साथ MNCs में फ्रीलांस कंसल्टेंसी सर्विसेज प्रोवाइड करने का काम करने लगे। दोनों भाइयों की बचपन से बहुत अच्छी कमाई हो रही थी, लेकिन दोनों भाई पहले से बहुत बड़े बड़े सपने देखते आए थे और किसी कंपनी के अंडर में काम करके उनके सपने कभी पूरे नहीं हो सकते, ये उन्हें पता था। 1998 में अपने पिता से 25,000 रुपये उधार लेकर दोनों भाइयों ने मिलकर डायरेक्टी नामक कंपनी शुरू करी। इन पैसों से उन्होंने कुछ ऑनलाइन सर्वर्स खरीदे और उनकी मदद से वे ईमेल सर्विसेज, वेब होस्टिंग सर्विसेज और वेब डोमेन्स भी बेचने लगे। वे भारत के मार्केट में बहुत जल्दी घुसे थे, लेकिन उनकी 20 साल पुरानी आइडियाज आज भी भर भर के पैसा बना रही है। बिग रॉक, लॉजिक बॉक्सेस, कोड शेफ, रिंगो और रेडिक्स जैसी अनेक कंपनीज है जो डायरेक्ट आई के अंडर आती है। पहले डायरेक्ट आई के पास ज़्यादा कस्टमर्स नहीं थे, फिर भी भाविन ने ऑटोमेटेड सपोर्ट सिस्टम तैयार किया ताकि फ्यूचर में अगर कस्टमर्स बढ़ जाए तो उन्हें हैंडल करने में आसानी हो। भारत में ऑटोमेटिक चैटबॉट की टेक्नोलॉजी 2015 के बाद आई, लेकिन डायरेक्ट आई के पास ये टेक्नोलॉजी 2001 से मौजूद थी। पहले उनकी सभी पेमेंट्स कैश और चेक में आती थी, लेकिन बाद में जब उन्हें क्रेडिट कार्ड पेमेंट के बारे में जानकारी मिली तभी उन्होंने इंडिया का सबसे पहला पेमेंट गेटवे डेवलप कर दिया। भारत में कैशलेस ट्रांजैक्शंस 2016 में हुई नोटबंदी के बाद बहुत बढ़ गए, लेकिन 2002 के पहले से ही तुराकिया भाइयों की सभी पेमेंट्स ऑनलाइन ट्रांसफ़र होती थी। कभी कभी वे सिर्फ अपने प्रॉब्लम सॉल्व करने के लिए कोई सोल्यूशन निकालते थे,
और फिर यही सॉल्यूशन उनका प्रोडक्ट बन जाता था। उनका पूरा बिजनेस इंडिया से बाहर था क्योंकि उस समय इंडिया में इंटरनेट यूजर्स बहुत ही कम थे। 2010 में उन्होंने media.net नामक ऑनलाइन एड टेक कंपनी की शुरुआत करी। ये कंपनी एक ऑनलाइन एड कंपनी थी जो यूजर्स को एड मोनेटाइजेशन की सुविधाएं भी देती थी। याहू और माइक्रोसॉफ्ट के bing.com जैसे सर्च इंजिन्स के साथ टाई अप करके media.net गूगल के एडसेंस को कड़ी टक्कर देने लगी थी। 2016 में तुराकिया भाइयों ने media.net को एक चाइनीज ग्रुप को बेचकर $900 मिलियन कमाए। अगर इंडियन रुपीज में बात करें तो इस डील की टोटल वैल्यू लगभग 6,000 करोड़ रुपयों के आसपास होगी। इस डील ने एडटेक जगत में गूगल और ट्विटर को भी हिलाकर रख दिया। पहले 2014 में भी उन्होंने बिग रॉक, लॉजिक बॉक्सेस और रीसेलर क्लब अमेरिका के एंड्योरेंस ग्रुप को बेचकर $160 मिलियन कमाए थे। तुराकिया भाइयों ने अब तक अपने 2 दशक के करियर में डजन भर स्टार्टअप शुरू किए और इनमें से 5 को बेचकर वे भारत के सबसे अमीर हस्तियों की लिस्ट में शामिल हो गए। तुराकिया भाइयों ने बिना किसी फंडिंग के सहारे एडटेक जगत में अपना और इंडिया का नाम रोशन किया है। दोनों भाइयों के पास इंजीनियरिंग की डिग्री ना होने के बावजूद उन्होंने अपने दम पे इतना बड़ा साम्राज्य खड़ा किया। आज तुराकिया भाइयों को फर्स्ट इंडियन इंटरनेट एंटरप्रेन्योर्स के नाम से भी जाना जाता है। आज की तारीख में इनकी प्रॉपर्टीज और ऑफिसेज पूरी दुनिया में फैले हुए हैं, खास करके अमेरिका में। दोस्तों, अगर आपको हमारा इन्फॉर्मेशन शेयर करने वाला फॉर्मेट पसंद आया हो तो इस वीडियो को लाइक कीजिए और अपने सभी दोस्तों के साथ शेयर कीजिए। आपको हर हफ्ते ऐसी इन्फॉर्मेटिव वीडियोस देखने मिलती रहेंगी।